सो दोस्तों हमारे एक सब्सक्राइबर मिल चुके हैं। ये बेटे, अरे वाह बेटे वाह। और ये उनके वीणा रखा हुआ है। अभी मैं आप लोगों को दशरथ महल का दर्शन करवाऊंगा। मोबाइल नहीं ले जाने दे रहे ना, ये बहुत बड़ी दुख की बात है। तो माई अपने फ्रेंड के साथ स्कूटी से जा रही हैं, क्योंकि वो बड़े लोग हैं और हम दोनों जा रहे हैं ऑटो में। हम छोटे लोग हैं, क्या करें, पैसा नहीं है। हम बहुत छोटे लोग हैं, हम बहुत मामूली लोग हैं, मेरे पास पैसा नहीं है स्कूटी खरीदने। चलिए अभी अयोध्या पहुँचते हैं और सरजू नदी में पहले नहाएंगे, क्योंकि हम लोग घर से भी नहा के नहीं आए। तो यहाँ पे जाम लग गया था, फाइनली एक घंटे के जाम खत्म हो गया, मतलब ट्रैफिक खत्म हो गया। अब हम चल रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। बहुत ही गुस्सा आ रहा है यार। जहाज बना दे जहाज, सीधा राम जी का मंदिर को उतारियो। अरे भाई पहुँच गए फाइनली हम लोग अयोध्या। जय श्री राम, राम जी के नगरी पहुँच गए भाई। इतना भीड़, इतना जाम। हाँ हाँ यही है, लता मंगेशकर चौक पहुँच चुके हैं गाइस, और हमारी अर्धांगिनी और उनके दोस्तों को ढूंढना है। अब यहाँ पे हम लोग सीधा वो क्या बोलते हैं, संस्कृति भाषा बोलेंगे, जो कि आता नहीं है मुझे। बहुत भीड़ है साला, फोन कोई लेके ना भग जाए मेरा। हाँ हम लोग देख सकते हैं, हम लोग पहुँच चुके हैं लता मंगेशकर चौक। सोने का ये ना, ओ अच्छा नहीं, नकली है सोना। वो बैठे हैं ये, पाड़े बैठू मौजू। अरे हम तो फाइनली, ये हमारी अर्धांगिनी मिल गई, बहुत खो गई थी यहाँ पे। और क्या, हम लोग पहुँच चुके हैं इस मीड़ा के पास। चलिए फटाफट फोटो खींचते हैं। अरे अरे छोटे बड़े, लाइन से पैर छुओ, लाइन से हमारा भी, और बड़े हो जाओ। अरे खुश रहो, और बड़ा का हो जाओ। सो दोस्तों हमारे एक सब्सक्राइबर मिल चुके हैं। ओके सर जी, बिल्कुल झूठ बोल रहा है। जो कि हमारे बुआ का लड़के हैं। भाई कल तू सब्सक्राइबर बना। अब ये कौन है बे? खुद ही पूछ लो। अबे कौन है बे तू, प्रधानमंत्री? ये राम पौड़ी में नहाने वाले हैं, हम भी नहाएंगे, मजा आ जाएगा फिर। सॉरी वियंस को लेकर नहीं आ पाए, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज्यादा भीड़ होने वाली है। फोन करी थी, मैं तो खेल रहा था, मेरे लिए दो चॉकलेट। इन छोटे मोटे प्रोग्रामों से कितना कमा लेते हो? अच्छा तो दोस्तों आप लोग अयोध्या घूमने कब आ रहे हो? हम लोग तो पहुंच चुके हैं राम जी के दर्शन करने के लिए। कमेंट करके जल्दी बताओ और जल्दी आ जाओ। मस्त प्लान है, आ जाओ आप भी घूमने के लिए, क्योंकि बहुत मजा आएगा। आज तो आज संडे भी है। और बाबू उस बार हम आए थे, वहां पे पानी चल रहा था ना। और ये दोस्तों हम दूसरी बार आए अयोध्या। आ जाओ भाई, सब्सक्राइबर हैं मेरे तीनों। ओ अच्छा, जो कि मेरे ही घर के हैं, दोस्त हैं मेरे। मिस्टेक हो गया। मैं भैया बस आई हूँ इधर नहाने के लिए। ये बस नहाने के लिए आई है, और इधर के लोग नहा रहे। वाह बेटा मौज कर दी, मौजो मौजो। ये तो यहीं बैठे हुए हैं नीचे सब। ये बेटे, अरे वाह बेटे वाह। हे प्रभु, हे प्रभु, हे हरि राम कृष्ण जगन्नाथ प्रेमानंद। ये क्या हुआ, गला में पानी आ गया, गमछा भी फट गया मेरा। मन है जय श्री राम। सो दोस्तों ज्यादा कष्ट ना करते हुए हम लोग राम पौड़ी में नहा लिए हैं, और अभी हम लोग घूमेंगे अयोध्या के मंदिरों में। जी हाँ दोस्तों, अब हर भगवान का हमें दर्शन करना है, जहाँ जहाँ पे लोग ज़्यादा दोस्तों जहाँ जहाँ का फेमस मंदिर है वहाँ पे जाएंगे, वहाँ का दर्शन करेंगे,
और आप लोगों को भी दिखाएंगे उस मंदिर को। और इस राम पौड़ी में आइए, बहुत ज़्यादा मज़ा आता है नहाने में। अभी के टाइम पे फिलहाल ये खाली हो चुका है, ज़्यादा भीड़ नहीं है, सुबह के टाइम पे बहुत ज़्यादा भीड़ था। अब चलिए मैं आप लोगों को एक बार इस नज़ारे का आनंद दिलवाता हूँ। तो दोस्तों, हम आ चुके हैं आसमान की ऊंचाइयों में बादलों को छूते हुए और आप लोगों को ये राम पौड़ी का नज़ारा दिखाने के लिए। यहाँ से देखिए, बहुत अच्छा लुक दिखता है, यहाँ से मजा आ गया। तो दोस्तों, आप लोगों में से कौन कौन श्री राम जी का भक्त है, कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर लिख देना। देखिए, ये जो ब्रिज दिख रहा है ना आप लोगों को, उसे थोड़ा सा आगे, यहाँ मेरी उंगली ये टावर है, यहाँ पे है लता मंगेशकर चौक, और यहाँ से यहाँ तक आने में ज्यादा टाइम नहीं है, आप लोगों को देख ही सकते हैं, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। दोस्तों, हम लोगों ने राम पौड़ी में नहा लिया, अब चलते हैं मंदिरों के दर्शन करने के लिए। ये हमारा गैंग, मेरी तक। तो हम लोग निकल चुके हैं मंदिर की तरफ और हम जाएंगे राम जी की, सॉरी दोस्तों, हम जाएंगे राम लला की मंदिर देखने और दर्शन करके मजा ही आ जाएगा। जय श्री राम। हमारी गैंग आगे आगे चलती हुई, हम इनके पीछे पीछे चलते हुए। भाइयों, यहाँ आने के बाद दिल खुश हो जाता है। दिल क्या? तो हम जा रहे हैं अब दशरथ महल के पास, आ चुके हैं, मतलब हम अभी, मैं आप लोगों को दशरथ महल का दर्शन करवाऊंगा। तो ये देखिए, ये है दशरथ महल, अगर आप लोगों ने देखा होगा तो आप लोगों को पता होगा। ये अभी थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन चल रहा है इस पर, इसको और बनाया जा रहा है अच्छा से। तो चलिए, हम लोग पहले चलते हैं रामलला के मंदिर देखने, उनकी दर्शन करेंगे, क्योंकि यहाँ पर उतना कुछ है नहीं, अंदर जाओगे भी कुछ भी नहीं है, पहले जा चुके हम लोग। सीधे दोस्तों, हमारी सिक्योरिटी चेक हो गई है और हम पहुंच चुके हैं अयोध्या के एयरपोर्ट पे। सच्ची में? सॉरी दोस्तों, एयरपोर्ट नहीं है, मजाक कर रहा हूँ। तो दोस्तों, मोबाइल का साथ यहीं तक है, आगे मोबाइल नहीं ले जा सकते, इसलिए यहीं तक ब्लॉग रोक दिया जाता है। उधर से निकलेंगे जब दर्शन करके, तब तो आगे का ब्लॉग कंटिन्यू रहे। मोबाइल नहीं ले जाने दे रहे ना, ये बहुत बड़ी दुख की बात है हमारे लिए, तो और भी बहुत चीज़ दिखाते हैं आप लोगों को, पूरा मंदिर दिखाते हैं। दोस्तों, हमारा यहाँ जूता चप्पल जमा हो रहा है, जल्दी जल्दी जमा कर देते हैं। ये हमारा चप्पल भाई, 1 करोड़ का चप्पल है, चोरी ना हो जाए। ओ अच्छा। सो दोस्तों, हमने फाइनली दर्शन कर लिया है राम जी की मूर्ति का और हम जाएंगे। देखो देखो, धर्मेंद्र की चेहरे से टपकती है, नंबर 1 का कबीना। जी जी जी, आंखें देखो, नीयत में खोट, साफ नजर आता है, हवस से भरी हुई। अबे तू मुझे गलत मत बोल, तू खुद को गलत बोल, तू खुद की औकात देख। आएंगे खाने के लिए, क्योंकि हमें बहुत तेज भूख लग गई है। और ये मेरा, अबे कौन है, अबे तू सब्सक्राइबर है, ओनली अनसब्सक्राइबर, जो कि मेरे बुआ का लड़का है। मालूम है तेरे बाप को, मत सिखा, चल। और हम चल रहे हैं, अब मोमोज नहीं खाएंगे ना जब तक थकान हमारा खत्म नहीं होगा, क्योंकि हमारा गैंग में ना सब मोमोज ही ज्यादा खाते हैं। थक चुके हैं भाई, थक चुके हैं। आप लोग वैष्णो देवी जाते हैं, ऊंचाई सीढ़ियां चढ़ते हैं पहाड़ों पे, उसे ये कम नहीं है, सीधी सीधी चलना, सीधी सीधी राह चलना, लेकिन इतनी भीड़ है ना कि बहुत पार कर पाना मुश्किल है। दोस्तों, हम हैं लता मंगेशकर चौक पे और बहुत ज़्यादा भीड़ है और ये नाइट का टाइम है और बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है यहाँ का। तो दोस्तों, ये जो दिख रहा है ना, ये है सूर्य का छवि, बिल्कुल आप लोगों का सूर्य का जैसा दिख रहा होगा। ये नाइट का टाइम है ना, बहुत मज़ा आता है, नाइट में आओगे ना तो बहुत सी चीज़ें देखने को मिलेगी, अद्भुत चीज़ें। ये देखो, जैसा लग रहा सूर्य है। तो दोस्तों, हमें घर पहुँचने में लेट हो चुका है, अभी हम अयोध्या में ही है और नाइट का ये टाइम है और आप लोग देख सकते हैं, ये जो हमारे साइड साइड में ये जो दिख रहा है ना, ये सूर्य है और इसको पता नहीं क्या होगा कर रही है, और हमारा भी अंश हमें याद कर रहा होगा बहुत, शायद रो भी रहा हूँ, मैं मिस कर रहा हूँ उसको। महिमा पेप्सी पी रही है, पेप्सी पी रही है महिमा, ये पता नहीं कौन सा पेप्सी है, हरा हरा, ये तो लग रहा है जैसे कि गोलगप्पे का पानी, एक्स्ट्रा पानी पूरी भी इसका खाओ और चटनी भरा लो पूरी। तो दोस्तों, हम लोग घर जा रहे हैं, काफ़ी टाइम हो चुका है और व्यंश के लिए ले चुके हैं हम लोग ट्रैक्टर, क्योंकि वो ट्रैक्टर के लिए बहुत ज़्यादा शौकीन है वो ट्रैक्टर का,
ट्रैक्टर देख लेगा ना तो ट्रैक्टर ट्रैक्टर करता रहेगा। अब भाई वापस ही चल रहे हैं, यहाँ नहीं। हाँ घर चल, बहुत मस्त लिए हैं ट्रैक्टर। आप सब आइए, हम आपसे कोई भी गाड़ी लेता हूँ तोड़ देता है, लेकिन इस बार लोहे का लिया हूँ, लोहे का ट्रैक्टर है। अभी देखते हैं सारा कैसे तोड़ता है हमारा बेटवा।